ऑलराइट गाइस, मेरा नाम है सादान एंड यू आर वाचिंग सादान एडिट। तो गाइस, आज की वीडियो में हम ईद के ऊपर फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। ईद आने वाली है ना, तो इसके लिए फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड मैं अब PNGs वगैरह की सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने मॉडल की PNG सेलेक्ट कर ली है। PNG सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कटआउट पे टैप करना है। कटआउट पे करने के बाद आपको नेट ओपन करके ही पर्सन पे टैप करना है। यहाँ पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में चल रही है सारी प्रोसेसिंग। देख रहे हैं, बिल्कुल खुद ही ऑटोमेटिकली कट हो गया है। एंड मेरे जो मॉडल की है वो PNG बन के आ गई है। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो गाइस, मैंने इसे सेव कर लिया है। अब मुझे सारी चीज़ें को बैक कर देना है, इसे डोंट सेव करना है। सारी चीज़ें बैक करने के बाद मुझे अब बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। तो मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ बैकग्राउंड सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरा बैकग्राउंड है डाउनलोड्स में, तो डाउनलोड में जाता हूँ मैं, ये रहा। तो आपको भी PNG लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी। अब यहाँ पे मैं PNG अपने बैकग्राउंड की PNG ऐड कर लेता हूँ, जो कि ये रही। तो मैं अपने बैकग्राउंड PNG ऐड कर लेता हूँ। सॉरी दोस्तों, ये ऐड आ गया है। एंड अब मुझे अपने बैकग्राउंड इमेज ऐड करनी है। तो सिंपली गाइस, मैं इस पर टैप करता हूँ और ये ऐड हो जाती है। तो दोस्तों, मेरी PNG ये वाली बैकग्राउंड PNG ऐड हो गई है। देखना, बिल्कुल CV एडिटिंग वाला इफेक्ट आ रहा है इस बैकग्राउंड में। एंड ईद आने वाली है, तो ईद के ऊपर फोटो एडिटिंग तो हम करेंगे, ईद के ऊपर करेंगे। एंड और भी वगैरह वगैरह जो त्यौहार आते हैं उनके ऊपर भी करेंगे। तो मैं इसमें और PNGs ऐड कर रहा हूँ। आपको सारी PNG लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए गाइस, सारी PNGs सेलेक्ट हो गई हैं। और लेंस एंड स्मोक वाली ये रहेगी, इनको भी सिलेक्ट करने के बाद मैं अब इन सबको ऐड करता हूँ। सबसे पहले हमें ईद मुबारक वाली PNG को लेना है। इसमें ब्लेंडिंग मोड पे जाना है, इसके ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद अब हमें आना है यहाँ पे, इसे एडजस्टमेंट करनी है। एंड इसकी भी इन सब की ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन करना है। मैं ईद मुबारक को एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। एंड स्मोक वाली PNG है, इसे भी मैं स्क्रीन करना है। इनकी सबके ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन करना है, जो स्मोक वाली है। एंड ये जो मेरा मॉडल की इमेज है, इसको मूव अप करना है। ये नीचे चला गया है ना, तो अच्छा नहीं लगा। इसको मूव अप करना है, यहाँ से लेयर पे से जाके ये ऊपर आ गया है। एंड अब इसे एडजस्टमेंट कर लेते हैं। हमने इसे सही से ऐड कर लिया है। तो गाइज, अब हमें यहाँ पे इसके जो पिजन है, पिजन वगैरह ऐड कर लेते हैं। पिजन वगैरह ऐड होने के बाद सारी चीज़ों को एडजस्टमेंट कर लेनी है, जिससे कि वीडियो मतलब आपकी फ़ोटो ख़राब ना हो। और मैं अब यहाँ पे ये वाली PNG को भी ऐड करना है, इसकी भी स्क्रीन करना है। इससे थोड़े से बबल्स वगैरह से आ रहे हैं, तो अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है फ़ोटो पे। फ़ोटो एकदम HD क्वालिटी सी लगती है। स्क्रीन पे जाना है। एंड इसके लेंस जो फ्लेयर वाली है ना, इसको भी यहाँ पे ऐड करना है, जिससे कि एकदम चमक आए फ़ोटो में। तो इसे ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे एक आधी PNG और रहेगी है, तो मैं उसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक और पिजन वाली PNG है, तो मैं इसे भी ऐड कर लेता हूँ। उसकी भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो इसकी एडजस्टमेंट, सॉरी ये थोड़ा लंबा हो गया है गाइस। अभी मुझे इसे भी एडजस्टमेंट करना है सही से। दैट्स इट दोस्तों, मैं इसे अभी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे लग रही थी, थोड़ी सी इसमें गलत मिस्टेक हो गई है। एंड ये एडजस्टमेंट, इसको भी थोड़ा सही कर लेते हैं। पहले मॉडल की इमेज को सही जगह लगाते हैं। एंड इस पर जाना है, जो पिजन वाली इमेज ख़राब हो गई थी उसे सिलेक्ट करना है। उसे सिलेक्ट करने के बाद आपको उसकी एडजस्टमेंट सही करनी है। ये हो गई सही। एंड अब मुझे इसकी डुप्लीकेट बनाने हैं, तो मैं डुप्लीकेट पे टैप करता हूँ। उसके डुप्लीकेट हो गए हैं।
इसको एक को यहाँ ऐड करते हैं तो बिल्कुल मून के पास में एकदम बढ़िया वाला इफेक्ट पड़ रहा है फ़ोटो पे। तो ये फ़ोटो दोपहर के टाइम क्लिक करी थी मैंने, फ़ोन से ही क्लिक करी थी, मैं DSLR वगैरह भी यूज़ नहीं करता हूँ बिकॉज़ है नहीं, पर फ़ोन से ही क्लिक करते हैं और अब आप बिफ़ोर आफ्टर देख ही सकते हैं कितना तगड़ा इफेक्ट पड़ा है इस पर। तो गाइज वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।